फूल की बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल सही, इनसे बुखार ठीक होता है। वाह, मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी है बलू, क्या है ये? ये है मणि, पेड़ की रार जमकर ऐसी हो जाती है। हाँ? चलो अब इसे फेंकते हैं वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पर क्यों? क्योंकि कुछ जानवर मानते हैं कि मणि में ऐसी शक्ति होती है जो सभी जानवरों की ताकत के बराबर होती है। सभी जानवरों की सारी ताकत, मतलब जिसे भी यह मिलता है हा? उसे वो शक्ति मिल जाती है। पुरानी कहानियों में ऐसा लिखा था, पर आज भी कुछ जानवर इस पर यकीन करते हैं, इसलिए वो इसे हर हाल में पाना चाहते हैं। मणि, मुझे पता है इसकी सबसे ज्यादा जरूरत किसे है। मणि, सच में जरा सोचो, अगर मेरे पास वो पत्थर हुआ तो कोई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। जाहिर हो जाएगा कि जंगल का असली राजा मैं हूँ और मैं बन जाऊंगा यहाँ का राजकुमार। अब जा और मेरे लिए वो मणि लेकर आ। तुम मणि के उस टुकड़े को लाए ही क्यों? मैंने कहा था ना वो मुसीबत की जड़ है। अब तो बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि वो किसी बुरे जानवर के हाथ ना लगा हो। जहाँ पना शेर खान ने अपने जंगल वासियों को तुरंत सभा में बुलाया है। हाँ? है? प्यारी जनता, आप देख सकते हैं इस मणि ने मुझे चुना है और अब से जन्मों जन्मों तक मैं तुम्हारा राजा हूँ। घबराना मत, क्योंकि जो जानवर मेरी चापलूसी करेगा उसे कुछ नहीं होगा। मुझे खुश रखोगे तो तुम भी खुश रहोगे। अच्छा, तो तुम हमें खाने के लिए भी चीजें दोगे? हाँ, और भी बहुत कुछ। मैं अपनी गुफा में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जाओ उस इंसानी बच्चे को लाओ और बदले में अपनी जिंदगी खुशहाल बनाओ। और राजकुमार टबाकी सब पर यही से नजर रखेगा। पहले जाओ उस इंसानी बच्चे को ढूंढने में उनकी मदद कर, काम चोर गीदड़। कहीं जानवरों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि शेर खान वाकई सबसे ताकतवर बन गया? हाँ बलू, जो कहानी पर यकीन करते हैं उन्हें लगेगा। जब तक शेर खान के पास मणि है तुम सुरक्षित नहीं, तुम्हें छुपना होगा। वो यहाँ है, मोगली यहाँ है। मैं शेर खान से मणि छीनकर झरने में फेंक के आता हूँ। मैं मोगली को लेकर आऊंगा, इनाम तो मुझे ही देना, मुझे भी उससे छुटकारा पाना है। उस इंसानी बच्चे को मणि चाहिए तो वो उसे लेने शेर खान के पास जरूर आएगा। इंसानी बच्चे,
बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। तो सुधार लेता हूँ राजा जी। धत तेरी की। फिर मिलेंगे नकली शहंशाह। वो आ रहा है, तैयार रहना। अब कहाँ जाओगे? मेरे लिए तो रुको, राजकुमार के लिए। दूर हट, मुझसे चिपको। मोगली बच के भाग रहा है। कैसे हटूं? मैं तो फंस गया हूँ। सब तुम्हारी वजह से हुआ, किसी काम के नहीं तुम दोनों। मिल गई मणि। एक मणि की वजह से हम उस मोगली के खिलाफ नहीं हो सकते। वो हमारा दोस्त है और हमारी दोस्ती उस शेर खान के खौफ से ज्यादा मजबूत है। ये काम की चीज है। मेरी हड्डी के पास भी मत भटकना भूखे गीदड़। हाँ? दौड़ खत्म हो गई इंसानी बच्चे, और मणि का विजेता है सिर्फ शेर खान। मेरी पीठ पर बैठ जाओ। हमें जल्दी झरने के पास पहुंचना होगा, खेल वहीं खत्म होगा। मदद के लिए शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत कहो, ये सब बल्लू की वजह से हुआ है, उसी ने हमारी समझ को बदला है। ओ अच्छा, अब जल्दी से मुझे झरने के पास जाना है और इस मणि को हमेशा के लिए पानी में डुबाना है। अब ये तमाशा खत्म। आप उसे रोकते क्यों नहीं जा पना? गीदड़ तू ही जाके रोक लेना। क्यों, पानी में आने की हिम्मत नहीं है जहाँ पना? तू मुझे ललकार रहा है। ये लो, जनता भी यहाँ पहुँच गई। शाबाश, अब सभी अपनी आँखों से देख लो, ये मणि हमेशा के लिए गई। नहीं, मैं फिसल रहा हूँ। तुम खुद अपनी हालत देख सकते हो शेर खान, इस मणि से कोई ताकत नहीं आती, उल्टा ये आपको कमजोर बनाती है। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझे मेरी मणि बचा लेगी। कहानी की वजह से जिंदगी दांव पर मत लगाओ। हम सभी को यहाँ इसलिए लाए ताकि सभी को यकीन हो जाए कि उस मणि की कहानी सिर्फ एक कहानी ही थी। शुक्र है इस मणि की दिक्कत यहीं पर खत्म हो गई। अब वो किसी मछली को मिल जाएगी, फिर एक मछली यहाँ की रानी बन जाएगी, है ना? अरे नहीं, मछलियाँ इतनी बेवकूफ नहीं होती, ऐसी बातों पर तो कम अकल ही यकीन करते हैं। खामोश।
खामोश चूजे, जंगल के राजकुमार से तमीज से बात करो। चुप कर मिस्टर चंपू कुमार, अब ना कोई जंगल का चाहपना है और ना ही कोई राजकुमार। ओह, माफ करना बलू। अरे वो क्या है? वो मछली मेरा खाना थी। ये तुमने कैसे किया? ये हम ही है ना? हाँ, पर कैसे? एक मिनट, मैं इतना मोटा तो नहीं हूँ। जरा बचकर। घबराओ मत बघीरा, ये तो बस एक ये क्या है? मुझे नहीं पता, पर ये चीज ठीक नहीं है। सिर्फ इंसान ही ऐसी पानी की पत्ती इस्तेमाल करते हैं, तो छुटकारा पाने में ही भलाई है मोगली। पानी की पत्ती? हटो भी। जरा ध्यान से, ये टूट भी सकती है। ओ मोगली, तुम्हें देखकर दिल का बल्ब जल जाता है, अकेले में तो और खुशी होती है। शेरखान, अरे मैं बदमाश, तुमने मेरी नींद खराब की है, इसके बदले कोई अच्छी खबर देनी होगी। अरे अच्छे से भी अच्छी है, मोगली के पास एक खास चीज है, एक जादुई चीज, और एक नहीं दो है, शायद तीन नहीं चार पांच। बकवास बंद करो और बताओ किस चीज की बात कर रहे हो तुम? वो ऐसी चीज है जो और इंसानी बच्चे बना रही है, और कुछ दिनों बाद तुम्हें और इंसानी बच्चों से निपटना होगा, इसीलिए जल्दी करो वरना तुम। ये तो अच्छी खबर है, बहुत भूख लगी है मुझे, और इस भूख में एक दो इंसानी बच्चे आराम से पचा लूंगा। थोड़ा ऊपर और ऊपर, ये बात। ओए, वो मेरी है, मुझे वापस करो इसी वक्त। ये चीज कहीं आफत न बन जाए। मैंने तुमसे कहा था उस चीज से दूर रहना, पता नहीं कितनी खतरनाक होगी वो, कभी तो दिमाग लगाया करो मोगली। ये बात माशा से कहो बलू, अभी वो मेरे पास नहीं उसके पास है। तुम्हारे पास एक चीज है जो मेरी है माशा। माशा को पता नहीं था कि ये खास चीज इंसानी बच्चे की है। फेंकना मत, मारो नहीं। अरे
एक बार मेरे हाथ आ जाओ फिर देखना मैं। रुक जाओ मोगली, इस पानी की पत्ती की किसी को जरूरत नहीं। शराफत से वो मुझे दे दो माशा। मैं माशा से पूछती हूँ, क्या लगता है मुझे ये चीज इंसानी बच्चे को वापस कर देनी चाहिए? ओ, देखो ना माशा मना कर रही है और मैं भी। हम दोनों की बात मानी जाएगी, दफा हो जाओ। ओ, अच्छा मुझे लगा तुम पहले ही हार मान रही हो, और वैसे भी वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है माशा। बताओ कौन खूबसूरत है, माशा या फिर वो? वैसे ये माशा भी उस माशा की तरह ही है। माशा सबसे खूबसूरत है। इस पानी की पत्ती को दूर ही रखो, ये सही नहीं लग रही। आज नहीं तो कल कोई न कोई इसे पाना चाहेगा, कोई ऐसा जो माशा से ज्यादा शातिर हो और ज्यादा ताकतवर भी। अच्छा तो अब तुम चूजों के साथ शिकार पर निकलते हो। बघीरा, कितनी बार समझाऊं कि मेरे रास्ते में मत आ, पर बड़ा जिद्दी है तू। हाँ हूँ। उन्हें ज्यादा दूर मत जाने देना। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ये कौन है? भूत, बचाओ, भूत है उनके पास। तुझसे लड़ लड़ के पक चुका हूँ मैं बघीरा। अच्छा, पर मुझे तो रोज मजा आता है। कायर टपाकी, चलो अब वापस चलते हैं। नहीं, पहले मुझे इस पानी की पत्ती को सही जगह छिपाना होगा। मोगली, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। उसमें तो दिमाग ही नहीं है, है ना? या ना समझ कह लो। मेरी गुफा के इतने करीब आकर गलती कर दी बरखुरदार, पर अब आ ही गए हो तो मेरे खाने तक रुक ही जा। मतलब वो कायर गीदड़ सच ही कहता था। शेर खान, देखो इन दोनों में से किस मोगली को तुम पहले खाओगे? वो चीज मुझे दे दो। बस बहुत हुआ, इस बार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है शेर खान। क्या लगता है मैं एक मोटे आलसी भालू से डर जाऊंगा? नहीं, पर तुम इस पानी की पत्ती की जबरदस्त ताकत का सामना नहीं कर पाओगे। ताकत तो मेरी भी कम नहीं है, कहो तो थोड़ी सी दिखा दो। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। पर इसे वापस देने की क्या जरूरत है? तुमने तो देखा है ना कि कैसे हमने इससे शेर खान को भगा दिया। हमने इसे रखा तो शेर खान इसे पाने के लिए कुछ भी करेगा जिससे हमें खतरा हो सकता है। हाँ, वैसे हमारी पानी की पत्ती एक काम तो कर गई है। अच्छा, भला कौन सा काम? बाकी का अपना असली चेहरा अच्छे से दिख गया। मुझे नहीं लगता आज से पहले उसने अपनी सूरत पानी में भी कभी देखी होगी।
उस भूत की शक्ल मुझसे मिल रही थी, पर वो मैं नहीं हो सकता। मैं नहीं तो कौन था?